वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज मैंने ये न्यूली वेड मेकअप लुक क्रिएट किया है uh, आप नया नया जिसका शादी है आप इस तरह से uh, ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो ये बहुत ही सिंपल सा है बिगनर्स भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकता है और uh, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है ये एकदम गोल्डन ब्राउन मेकअप लुक है आई मेकअप मैंने इसमें किया है बहुत ही सिंपल uh, और बहुत ही शटल सा मेकअप लुक है और बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है और इस मेकअप लुक को कोई भी क्रिएट कर सकता है बिगनर्स भी ये मेकअप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है जैसे मुझे भी नहीं आता था मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखने लगी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो बिल्कुल नहीं आता था मुझे मेकअप मुझे सब कहते भी थे कि शादी नया नया शादी हुआ है थोड़ा तो मेकअप कर ले बट मैं मेकअप करती नहीं थी मुझे मेकअप हालांकि पसंद नहीं था इसके लिए मैं मैंने करती थी लेकिन अब अच्छा लगता है मेकअप करना ऐसे मैं घर पे बिल्कुल ही सिंपल रहती हूँ बस जब मुझे वीडियो बनाना होता है तब मैं मेकअप करती हूँ या फिर कहीं जाना होता है तो तो करती हूँ तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वेल आइकन को भी दबा दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट्स मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं मेकअप करने से पहले अपना स्किन केयर करूँगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम सॉरी टोनर तो इसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गुड वाइब्स का आलमंड फेसियल ऑयल इसका मैंने थ्री ड्रॉप्स लिया है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करते हुए लगाया है उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड बैप्स का रोज हिप मॉइस्चराइजर क्रीम इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम यूज करूंगी तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वैसलिन का लिप बाम इसको मैंने अपने पे लिप्स पे लगा लिया है बाद में यहाँ पे फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन इसमें मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर मिला दिया ये फाउंडेशन का शेड है नेचुरल इसको डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे लगा दिया है मैंने हाइलाइटर इसलिए मिक्स किया है ताकि हमारा फेस जो है अंदर से ग्लो करे और अगर आ, मैंने अगर मतलब कोई भी अगर आ, ये हटा लिया आ, फाउंडेशन भी पूछ लिया तो फिर ये हमारा फेस जो अच्छे से ग्लो करेगा तो मैंने अपने नेक और ईयर एर के एरिया को भी आ, कवर किया है उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए ले रही हूँ एन वाई वे का आ, कंसीलर इसका सेड नंबर जो मुझे याद नहीं है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो सेड है वो मेंशन कर दूंगी आप वहां जाके चेकआउट कर लेना तो मैं यहां पे अंडर आयर एरिया में और नोज के कॉर्नर में लिप्स के कॉर्नर में और फोर पे थोड़ा सा लगा के एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर और उसी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं यहाँ पर डेपडप करते हुए अपने पूरे फेस पे अच्छे से अपने जो बेस मेकअप किया है मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है इसके बाद मैं अपने आईब्रो को सेट करूंगी तो उसके लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का ग्रे आईब्रो पेंसिल इसके साथ एक ब्रश भी आता है तो मैं यहाँ पे पहले अपने ब्रश ब्रश से अपने आईब्रो को अच्छे से सेट से से कर ले रही हूँ दोनों आईब्रो को इस तरह से पहले नीचे से आपको ऊपर की ओर ले जाना है फिर आपको ऊपर से नीचे की ओर सेट करना है उसके बाद इसके साथ जो पेंसिल आता है ग्रे वाली तो उससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ मैं ब्लैक आई यूज़ नहीं करती हूँ मतलब आईब्रो के लिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रे यूज कर रही हूँ उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी तो मैं यहाँ पे एक लाइट सा ऑरेंज कलर लिया है अपने आई बेस के लिए तो मैं अपने पूरे आई पे पर ये कलर ऑरेंज लाइट ऑरेंज कलर पूरे आई पे पर लगा लूँगी उसके बाद मैं ब्राउन कलर लूँगी कंटोर वाले कलर उसको मैं आ, अपने आई के आ, आ, आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर से आ, ब्लेंड करते हुए पूरे आ, मतलब आईलिड पे लगाऊंगी क्रीच लाइन के नीचे पूरा इस तरह से लगाऊंगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी दोनों आँखों में लगा लूँगी अच्छे से उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउन सिमरी कलर लेके अपने फिंगर के हेल्प से अपने जो इनर कॉर्नर है आई के और मिड तक मैं इसको अपने फिंगर से लगाऊंगी, उसके बाद एक ब्रश से उसको सेट कर लूँगी ताकि वो एवन लगे अलग अलग ना लगे उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लाइनर तो मैं यहाँ पे आ, बिंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे और फ्लेम का स्केच ब्लैक स्केच लाइनर से अपना लाइनर ड्रॉ करूंगी उसके बाद मैं अपनी आँखों में काजल लगाऊंगी तो काजल के लिए ले रही हूँ मैं एन वाई बे का ब्लैक काजल तो इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में अच्छे से लगा लूंगी काजल लगाने के बाद मैं यूज करूँगी मस्कारा तो मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लैक मस्कारा तो इसको मैं लोअर लेसेस एंड अपर लेसेस में अच्छे से तीन चार कोट लगाऊंगी अच्छे से ताकि हमारा जो लेस हो वो अच्छे से कर्ल हो जाए मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स लेसेस नहीं लगा रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लश थोड़ा सा लेके अपने चिक एरिया पे लगा रही हूँ स्माइल करते हुए और थोड़ा सा नोज पे लगा लूँगी उसके बाद मैं अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो कंटोर करने से हमारा फेस जो थोड़ा चपी सा नहीं लगता है मेरा फैट मेरा फेस थोड़ा चपी सा है इसके लिए मैं कंट्रोल करती हूँ कंट्रोल करने के बाद के बाद मैं एक ब्रश में ब्राउन कलर लेके अपने आई के नीचे इसको स्मच कर लूँगी अच्छे से उसके बाद हाइलाइटर का बारिया आया तो मैं उसी ब्लेसर पैलेट में से हाईलाइट सेट लेके अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मेरा हाईलाइट पॉइंट है वहाँ वहाँ मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे से उसके बाद हाईलाइट करने के बाद मेकअप लगभग हो गया है उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने फिंगर में हाईलाइटर वाला सेट लेके अपने आईज के कॉर्नर में लगा दिया है उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डप कर लूँगी उसके बाद आती है लिपस्टिक की बारी तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टे वेके का मिनी लिपस्टिक इसको मैं। ये रेड कलर की लिपस्टिक है इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लिया है उसके बाद मैं एक रेड कलर की बिंदी लगा रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पे वेयर कर रही हूँ रेड कलर के झुमके तो इसको मैंने पहन लिया है और फिर हेयर स्टाइल भी बना लिया है और फिर बिना सिंदूर के तो ये लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकती तो मैंने यहाँ पे सिंदूर भी लगा लिया है और साथ में मैंने दुपट्टा भी ले लिया है तो ये रहा मेरा फाइनल लुक आपको ये लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और सॉरी फॉर बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहे है वो मेरी बेटी बदमाशी कर रही है उसको बार बार बोल रही हूँ मत बोल मत बोल लेकिन वो जानबूझ के बोल रही है वो मेरी बात सुनी नहीं ना मुझे सूट करने देती है और ना ही मुझे एडिटिंग करने देती है बड़ी मुश्किल से मैं एडिटिंग करती हूँ और सूट करती हूँ जब ये सोई रहती है तब करते हो तो प्लीज आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चलिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर